वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं शेवरोलेट की एवियो, जो कि 2010 मॉडल है एंड पूरी रिस्टोर हो रही है। इस गाड़ी पे मैं आपको रस्टिंग भी दिखाऊंगा, ये बिफोर पिक्स भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि गाड़ी जो है अभी थोड़ी फर्स्ट स्टेज पे आ चुकी है। जब गाड़ी यहाँ पे आई थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो मैं आपको पिक्स स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। बाकी इस गाड़ी पे टोटली पूरी रस्टिंग हो रखी थी, रनिंग बोर्ड पे रस्टिंग हो रखी थी एंड डोर्स पे भी इसके रस्टिंग हो रखी थी। डोर्स जो है वो इसके चेंज हुए हैं एंड रनिंग बोर्ड जो है वो इसका रिपेयर हुआ है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यहाँ के ऑनर से भी मिलाऊंगा एंड काम जो है यहाँ का एक नंबर है। मतलब गाड़ी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी एंड जैसे कंपनी का काम होता है वैसे ही काम होता है। तो यहाँ के ऑनर जो है अंसारी जी, उनको मतलब कम से कम नाला करते हुए तो 27 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया इस काम में। सो उनसे भी मिलाऊंगा। तो अब बात करते हैं सीधा अंसारी जी से, वो इस गाड़ी के डिटेल एक्सप्लेन करेंगे एंड बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। जैसे जैसे एक एक स्टेप इसका कंप्लीट होता रहता है तो मैं सारी वीडियोस कवर करूंगा इस गाड़ी के ऊपर। तो अब मैं आऊंगा सीधा आपको अंसारी जी से। ये है हमारे अंसारी मोटर के ऑनर जो कि यहाँ पे काम करते हैं एंड इनकी पूरी टीम है जो यहाँ पे काम करती है। तो अंसारी भैया एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि इस गाड़ी पे क्या क्या हुआ है। इस गाड़ी पे हम पूरी इसको पेंट करेंगे छत छोड़ के नीचे नीचे। अच्छा। और इसमें बहुत रेस्टिंग था। अच्छा। जैसे कि रनिंग बोर्ड पे दरवाजों में। हाँ। तो दरवाजा हमने रिपेयर नहीं किया, हमने बट चेंज किया दरवाजा, चारों दरवाजा इसका रिप्लेस किया। अच्छा, ठीक अच्छा, है अच्छा। और रनिंग बोर्ड इसका मिलना बड़ा मुश्किल था तो हमने रनिंग बोर्ड को रिपेयर किया दोनों साइड का। ठीक है। तो रनिंग बोर्ड आपने पूरा रिपेयर किया है क्योंकि वो तो मिलना मुश्किल है इस गाड़ी का। जी जी, ठीक है। और गाड़ी के जो है दरवाजे हैं वो एक बार मैं पहली वाली कंडीशन दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा रस्टिंग हो रखी थी। एक बार आप यहाँ पे चेक करो, इस चारों दरवाजे इसके चेंज हुए हैं एंड ये पीछे का दरवाजा है, यहाँ पर भी यहाँ रस्टिंग हो रखी है पूरी एंड यहाँ देख सकते हो ये रिपेयर हो ही नहीं सकते थे। तो इसलिए मतलब ऑनर ने जो है उन्होंने गाड़ी के पूरे दरवाजे चेंज करवा दिए, मतलब पुरानी गाड़ी के लाके पूरे दरवाजे चेंज करा दिए। तो अभी इस पर क्या क्या काम हो चुका है भाई? अभी इस पर सिर्फ डेंटिंग का काम हुआ है। ठीक। अच्छा। है अभी इस पर पुलिस्टर पट्टी वगैरह भरा जाएगा, फिर उसके बाद सरफेसर वगैरह अस्तर वगैरह काम होगा। ठीक है। अभी ये पेंट पे आएगी, अभी मतलब 4 से 5 दिन लगेगा इसमें। अच्छा जी जी, 5 दिन पूरी गाड़ी वो पेंट होने में लगेगा इसमें। जी जी, ठीक है। अगर एक बात बताओ, जैसे गाड़ी आई है पूरी रेस्टिंग के लिए। जी जी। तो टोटल दिन मतलब कितने लग जाते हैं गाड़ी को रिपेयर होने में? हमारे पास टोटल दिन 12 दिन लग जाते हैं। अच्छा, 12 दिन मैक्सिमम मान के चले अपना। ठीक है ठीक है। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी में वर्क हो चुका है, अब इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे पूरा रिपेयर होने में। जी जी, ठीक है। तो गाड़ी आप देख सकते हो, बाकी रनिंग बोर्ड आप देख सकते हो पूरे यहाँ खत्म थे। भैया एक बार आपको शॉप का एड्रेस बता दो, ये कहाँ पे पड़ती है? A48 सीतापुरी। अच्छा। नियर डाबड़ी थाना। अच्छा। बगल में स्वागत बैंकट रोड है। ठीक है ठीक है। तो मैं एक बार आपको रोड पे व्यू भी दिखा दूंगा, अगर आप द्वारका से आते हैं तो कहाँ पे पड़ती है? जनकपुरी जाते हैं द्वारका से तो दाबड़ी मोड़ के ऊपर ही पड़ती है शॉप। एंड भैया के पास और भी काफ़ी गाड़ी आ रखी है भैया, स्विफ्ट आ रखी है जैसे। ये स्विफ्ट एक्सीडेंटल है, इसमें भी अभी काम करना, इसका सामान नहीं आया। अच्छा। मारुति में ऑर्डर हो रखा है। अच्छा। सामान आते ही ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है ठीक है। आगे पीछे से लगी हुई थी, इसका दरवाजा भी काफ़ी डैमेज था, दरवाजा भी चेंज हुआ। अच्छा। आगे से तो पूरी ख़त्म थी, आगे से तो भैया ने काफ़ी बना दी है गाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बोनट चेंज हो गया इसका, और ये इसका क्वार्टर पैनल यहाँ पे पड़ा है जो कि MGB का ओरिजिनल है। ये वाली गाड़ी जो है अमेज, ये ब्रांड न्यू गाड़ी है भैया। भैया एक बार इसमें बताओ इसमें क्या क्या काम हुआ है? इसमें दोनों बम्पर पेंट हुए हैं, अब इसमें टेफ्लॉन कोटिंग होगा। अच्छा, दोनों बम्पर पेंट हुए हैं। दोनों बम्पर पेंट हुए हैं, ड्राई डेंटिंग भी हुआ इसमें। अच्छा। और नई गाड़ी आके किसी ने मार दी है? जी जी। अच्छा अच्छा। तो बम्पर की एक बार आपको फिनिश दिखा देता हूँ मैं, आप कैमरे में जस्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब एकदम ब्रांड न्यू कलर बिल्कुल मैच कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको कलर अलग दिख रहा है एंड बम्पर का कलर अलग दिख रहा है। बस ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी दिख रही होगी तो इसलिए कलर डिफरेंशिएट हो रहा है कैमरे में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू कलर हो रखा है, इसका कलर बिल्कुल मैच हो रखा है, इवनली प्रॉपरली हो रखा है। और इस पर अभी टेफ्लॉन कोटिंग बाकी है। और गाड़ी आप देख लो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी कवर भी नहीं उतरे हैं सीट कवर। भैया टाइमिंग्स क्या रहती है शॉप की? शॉप की टाइमिंग भी यार 9 बजे से 8 बजे तक। 9 से 8? जी जी, ठीक है। तो बाकी आप कभी भी आ सकते हो, बाकी भैया को एक बार कॉल कर लेना आने से पहले, क्योंकि भैया के पास काफ़ी गाड़ियाँ होती है। अभी भी आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ, पीछे मैं दिखाऊँ आपको
तो वैगन आर खड़ी है, उसके पीछे एक्सयूवी खड़ी है, ये अमेज खड़ी है एंड ये एवियो खड़ी है। तो काफ़ी गाड़ियाँ रहती है भैया के पास पूरा टाइम, मतलब स्टॉक फुल ही रहता है। बाकी यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये द्वारका वाली रोड आ रही है, द्वारका से जनकपुरी जॉइंट होती है, दापड़ी मोड़ है पर अंसारी मोटर वर्क के नाम से ऐसा कुछ बोर्ड दिखता है इसका। तो भाई यहाँ पे बम्पर रिपेयर भी होते हैं, तो आप देख लो कैसे होते हैं एक बार बम्पर रिपेयर। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? प्लास्टिक वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे। और भाई अगर एक बात बताओ, ये नक्के टूट जाते हैं, जैसे ये नक्के हैं, ये नक्के अगर टूट जाते हैं तो ये कैसे रिपेयर करते हो इनको? अच्छा यहाँ पर किया है तुमने? ये टूट गया था प्रूफ। तो भाई एक बार देख लो कैसे रिपेयर होते हैं। बाकी बम्पर रिपेयर भी होते हैं, रीपेंटिंग पेंटिंग वगैरह भी होती है एंड टेफ्लोन कोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। तो भाई अभी वैगनार का बम्पर रिपेयर कर रहे हैं। और भाई ये लोहे का लगता है? ये यहाँ पे लगाते हैं, मतलब ये रिपेयर करते हैं तो टिकता नहीं है। अच्छा लोहे का लगता लगाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। डबल सपोर्ट पड़ जाता है, टूटता नहीं है। अच्छा फिर टूटता नहीं है, परमानेंट काम। ठीक है। तो अंसारी जी एक बात बताओ, जैसे कि छोटी गाड़ी होती है स्विफ्ट, उसका हम टोटल रीपेंट करते हैं, जैसे ये गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट, इसका हम पूरा पेंट करते हैं ऊपर से नीचे तक, पूरी 100% कंप्लीट गाड़ी पेंट करते हैं, तो इसकी मिनिमम कम से कम क्या कॉस्ट आती है? कम से कम सर इसमें 20,000 रुपया खर्चा आ जाएगा नॉर्मली, जो अच्छा बाहर की डिमांड जिससे होती है, ठीक है ना, जैसे बाहर के लोग करते हैं। ठीक है, 20,000 रुपये इसमें खर्चा आ जाएगा कम से कम, और गाड़ी एकदम एज गुड एज न्यू ब्रांड नहीं होगी। ठीक है ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करें जैसे, तो कितना खर्चा जाता है मैक्सिमम में? सर उसमें तो ज़्यादा आ जाता है पोस्टिंग, तकरीबन जिस हिसाब से मटेरियल डलवाए आपने, ठीक है ना, हिसाब से खर्चा आ जाता, इसलिए 35,000 से 40,000 भी आ जाता। अच्छा तो वही यही गाड़ी आप 20,000 में भी कर दोगे और 35 से 40 में भी कर दोगे, तो उसमें फ़र्क क्या होगा ये बताओ? सर फर्क पूरा टोटली सामान जो होता है वो कोबरा का लगता है। अच्छा। जैसे आपका अस्तर, इसमें पोलिस्टर पट्टी डलेगा। हाँ। कोबरा का अस्तर भी डलेगा। अच्छा। इसमें पीरियर भी एली का डलेगा। अच्छा। अदर कंपनी आता है उसका डलेगा, तो उसका मजा ही और। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब उसकी शाइनिंग अलग आती है, उसकी और शाइनिंग अलग आती है, इस टाइम उसकी शाइनिंग ठीक रहेगी। हाँ। पर इसकी बेस्ट रहेगी। अच्छा। एक आता है कोबरा का प्रोडक्ट, अगर आप वो यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग हाई चली जाती है अपनी। जी जी। और अगर हम दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें लोकल प्रोडक्ट, तो उसमें अपनी कॉस्टिंग कम चली जाती जी जी। है, लेकिन मेहनत दोनों में इक्वल है। ठीक है। गाड़ी में अलॉयज़ लगे हैं, 4Z सीरीज़ के MTW के अलॉयज़ लगे हैं, ओरिजिनल अलॉयज़ हैं। एंड भाई बहुत शौकीन है, तो भाई ने लाइटें भी लगा रखी है, प्रोजेक्टर हेडलाइट XP से, एंड इसका भी आउटपुट बहुत बढ़िया है, मतलब ऑल मॉडिफिकेशंस तो ऑलरेडी हो रखी है, एंड इवन इसमें एग्जॉस्ट भी लगा है। अगर मैं एग्जॉस्ट एक बार आपको स्ट्रेट पाइप फुल एग्जॉस्ट लगा है इसमें, तो पीछे से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको गाड़ी। बाकी कलर इस पर कलर जो हो रहा है वो बहुत ही स्पेशल हो रहा है, कलर जो जब भी होगा मैं आपको एक बार दिखाऊँगा गाड़ी में। स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसका, एक बार मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी एग्जॉस्ट की साउंड कैसी लगी, बहुत ही तगड़ा, मुझे तो बहुत ही सही लगा। एंड इसमें क्रैकल्स भी आते हैं जब आप जैसे गियर चेंज करते हो हाई RPM पे, तो क्रैकल्स भी आते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी इस गाड़ी की पूरी डिटेलिंग, मतलब सारी अभी मैंने आपको रॉ दिखा दी है गाड़ी कैसी है, किस कंडीशन में है, बाकी जब अब बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका कलर भी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।